नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। मांझियाओ खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी ने की जब प्रिय के दुकानदारों के साथ बैठक, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। मांझियाओ प्रखंड कार्यालय के सभागार में मंगलवार को प्रखंड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी रामजी प्रसाद गुप्ता ने जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों की बैठक की। बैठक में सहायक गोदाम प्रबंधक मुकेश कुमार पांडे भी मौजूद थे। बैठक के दौरान लेट लतीफ बायोमेट्रिक मशीन संचालन से संबंधित डीलरों की परेशानी से अवगत हुए। साथ ही उन्होंने कहा कि समय सीमा के अंदर खाद्यान्न का उठाव करते हुए लाभुकों के बीच 100% वितरण करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने पीडीएस से संबंधित उपलब्ध कराए जाने वाले सामग्रियों से भी अवगत हुए। उन्होंने सभी पीडीएस दुकानदारों से अलग अलग समस्याओं से रूबरू होते हुए समस्याओं का निदान करवाने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि खाद्यान्न वितरण के दौरान किसी तरह की अतिरिक्त राशन की कटौती करने एवं दुगनी राशि लाभुकों से वसूले जाने की शिकायत अगर मिलती है तो वैसे डीलरों को चिन्हित करते हुए विभागीय कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने डीलरों को निर्देश देते हुए कहा कि पिछले महीने पीडीएस दुकानदारों के अधीनस्थ उपलब्ध कराई गई साड़ी धोती वितरण प्रक्रिया में अगर शेष रह गया होगा तो वैसी स्थिति में वैसे लोगों को सूची तैयार कर अविलंब वितरण करें और साथ ही प्रवासी या मित्र मृत राशन कार्डधारियों का सूची तैयार कर कार्यालय में उपलब्ध कराएं। कहा कि राशन कार्ड से आधार संख्या 100% सीडिंग करने को कहा और साथ ही योग्य एवं अयोग्य कार्डधारियों के नाम का सत्यापन करते हुए सक्षम लोगों का नाम डिलीट करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें और साथ ही जरूरतमंद लोगों को सूची तैयार करें ताकि उन्हें नए कार्ड बनाए जा सके। वहीं सहायक गोदाम प्रबंधक मुकेश कुमार पांडे ने कहा कि रेलवे रैक की लेट लतीफ आने से समय पर खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। बहुत ही जल्द ही समस्याओं का समाधान हो जाएगा और नियमित सभी डीलरों को निर्धारित समय सीमा के अंदर खाद्यान्न उपलब्ध करा दिया जाएगा। साथ ही कहा कि मांझियाओ प्रखंड क्षेत्र के मात्र एक पीडीएस दुकानदार गरीबा राम एवं भीमा बाई स्वयं सहायता समूह के द्वारा अभी तक दिसंबर महीने का राशन का उठाव नहीं किया है। बैठक में पीडीएस दुकानदार अनिल साहा, सूरज जायसवाल, विनोद पांडे, प्रद्युमन उपाध्याय, रामलखन राम, राजेश्वर राम, माणिक चंद प्रसाद, धीरेन्द्र कुमार गुप्ता, प्रमोद राम, ब्रिज बिहारी सिंह आदि डीलर मौजूद थे। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। लाल और पीला राशन कार्ड के हकदार होंगे। आयुष्मान योजना के हकदार प्रति परिवार 5,00,000 रुपए तक का प्रतिवर्ष मुफ्त स्वास्थ्य लाभ। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, नवादा मोड़, दुर्गा मंडप के सामने, गढ़वा, झारखंड।